अरे मम्मा, कल क्राफ्ट असाइनमेंट सबमिट करना है। ए सनी, मम्मा क्यों, पापा को क्यों नहीं बुलाया? पापा को बोलूंगा तो बहुत डांटेंगे, उसके बाद चार्ट पेपर लेने जाएंगे, तब तक दुकान बंद। और मम्मा नहीं डांटेंगी? पहले वो चार्ट पेपर लाएगी, फिर मुझे असाइनमेंट में हेल्प करेगी, फिर डांटेगी। मम्मा मम्मा, टेडी नहीं मिल रहा। यहाँ भी नहीं है टेडी। लेकिन मम्मा को कैसे पता टेडी कहाँ है? मम्मा को सब पता है कि नॉटी टेडी कहाँ कहाँ छुपता है। मम्मी चुप क्या ले, मम्मी। बेटा बेटा बेटा, मम्मा को डर नहीं लगता? बहुत डर लगता है, लेकिन मेरे सामने दिखाती नहीं। मम्मा मम्मा, बट मम्मा को कैसे पता चला पराठे चाहिए? पता नहीं यार। पहली बार माँ बनने का एहसास, काश मैं देख पाती तुम्हारे चेहरे पर माँ बनने की खुशी क्या होती है। चलना सिखाया तुमने, हाथ पकड़ के कदम से कदम मिला के, और मुझे लगा था कि मैं अपने आप ही चलने लगी हूँ। मुझे क्या चाहिए हमेशा मुझसे पहले तुम्हें पता चल जाता था। इंजेक्शन तो मुझे लगा था, पर दर्द मुझसे ज्यादा तुम्हें हुआ था। कितनी नींदें खराब की मैंने तुम्हारी, वो रात बेरात जगना और सुबह सुबह उठना, जैसे तुम्हारा सारा वक्त बस मेरा ही होकर रह गया था। खुद स्कूल में मेरा एडमिशन करवाया तुमने, पर पहले ही दिन मुझको खुद से दूर भेजने के ख्याल से ही रो पड़ी थी। तब कितना समझाया था मैंने तुम्हें तुम्हारी दादी अम्मा बनकर। याद है शैतानियों पर तुम्हारी वो डांट, प्रिया, जिसमें प्यार असली होता था और गुस्सा एकदम नकली। बुरे सपने से डरी हुई कभी कभी मैं तुम्हारे अंदर छुप जाती थी, पर कभी तुम्हें भी डरी हुई देखूंगी ये पता नहीं था। जब मैं हाई फीवर में तप रही थी, डर के मारे तुम्हारे हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। सिर्फ बुखार ही तो था माँ। और एक बार जब डीडीएलजी की एक्टिंग करने के चक्कर में जोर से गिरी थी, ऊपर से प्रिंसिपल की डांट, कितना रोई थी मैं। बोर्ड एग्जाम में मेरा वो फेल होने का डर और फिर अच्छे नंबर से पास होने की खुशी, अरे मुझसे ज्यादा तो तुम नाच उठी थी माँ। थोड़ी बड़ी होने पर जाने अनजाने मेरी अपनी एक अलग सी दुनिया बनने लगी थी, तुमसे दूर। मुझे ऐसा लगने लगा था कि तुम मुझे समझ नहीं पाते।
डांटना, झगड़ना और फिर मनाना, जैसे लगा ही रहता था। दोस्तों के साथ मस्ती मजाक वाली नई नई यादें बनती गईं, पर इन सब में मैं एक पुराने दोस्त को कब भूल गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं अपने काम की धुन में खो सी गई थी, देख नहीं पाई कि कितनी नींदें खराब की तुम्हारी इस बड़ी बच्ची ने। ना कभी तुम्हारी फिक्र समझ पाई, ना तुम्हारी खामोशी सुन पाई। तुमने मुझे क्या कुछ नहीं दिया माँ, लाइफ के हर खूबसूरत मोड़ पर हाथ दिया, मेरा साथ दिया, मेरा ख्याल रखा। पर पता नहीं आज तुम्हारी बदमाश बेटी को ये सारी बातें अचानक कैसे याद आ रही हैं, जैसे एक ही पल में सब समझ आ गया। सच में आज मैं सिर्फ मां ही नहीं, फिर से एक बेटी बन गई हूं। सॉरी मां,